प्यारे दोस्तों, आज मैं प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्रॉब्लम है और कोविड-19 इनके इसके बारे में बोलना चाहूंगा। जब से वायरस कोविड-19 वायरस फैला हुआ पूरी दुनिया में, तब से लॉकडाउन भी लगा है और तब से पूरी दुनिया में और हमारे देश में और हमारी स्टेट में प्रेग्नेंट हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ तक अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नॉन कोविड-19 एम्बुलेंस जो है अलग से प्रावधान है उसका। इसी तरह से सेपरेट बेड जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होना चाहिए, वो भी गाइडलाइंस में है। इसी तरह से 24 आवर्स हेल्पलाइन वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, जिससे कि 24 घंटे हेल्पलाइन होगी जो वर्किंग कंडीशन में होगी, तो कोई जैसे प्रॉब्लम आएगी तो वो हॉस्पिटल वालों को या हेल्थ अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गाइडलाइंस तो दी है गवर्नमेंट ने कि नॉन कोविड-19 एम्बुलेंस होनी चाहिए, मतलब कि जो सिर्फ सेपरेट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो, और इसी तरह से जो है सेपरेट बेड उनके लिए होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर और 24 आवर सर्विस। लेकिन अगर हमें देखा जाए, अगर आप देखें तो एम्बुलेंस जो है नॉन कोविड-19 एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो हमारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें पूरी हिंदुस्तान से हमने देखने को मिली हैं कि हॉस्पिटल वाले जो है वो इनकार कर देते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको दाखिल करने से इनकार कर देते हैं और उसको दाखिल भी नहीं करते टाइम से, और इस तरह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर वो डिले करते हैं दाखिल करने में, डिले करते हैं और हेल्थ फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को वो नहीं मिलती है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेसी आ जाती है और इवन कई जगहों पे डेथ भी हो जाती है विद बेबी, मतलब वुमेन और उसकी जो इन्फेंट है डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे जो है फैसिलिटी नहीं मिलती है। कोविड-19 का जो प्रकोप चला हुआ है उसकी वजह से जो वुमेन वेलफेयर और चाइल्ड वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अलग से प्रावधान कर रखा है कि इनके लिए अलग से सिस्टम हर चीज होनी चाहिए हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, लेकिन वो चीजें जो है उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनको प्रॉब्लम जो है वहां पे आ जाती है। तो इसी तरह से जो है हमने देखा है कि ये जो हमारा चाइल्ड केयर वुमेन केयर चाइल्ड केयर जो मिनिस्ट्री है अलग से, तो उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी हैं, लेकिन देखने में आता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ग्राउंड पे। अगर हम देखें ग्राउंड पे तो आपको लगेगा कि 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। प्रावधान तो दिए होते हैं, गवर्नमेंट ने ऊपर से गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन हमें बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें बहुत सारे केस जो है वुमेन की डेथ हो गई है, चाइल्ड जो बच्चा होना था वो भी साथ में बेबी, तो जो गाइडलाइन है वो प्रैक्टिकल शेप में नीचे जो है नहीं होते। तो मैं कहना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन केयर एंड चाइल्ड केयर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ये जो है इस पे जो है सख्ती से गाइडलाइन जो है लागू की जाए, ग्राउंड लेवल पे लागू की जाए। इसी तरह से जब हम देखें, अगर हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अल्ट्रासाउंड करानी है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करते हैं कि यहां अगर गांव से जो दूर दराज से, एक तो ऊपर से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन की वजह से रेड जोन भी है तो गाड़ियां भी नहीं है, तो दूर गांव से 10-20 किलोमीटर औरतें चल के आती हैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन जब वो रामबन में आती हैं तो अल्ट्रासाउंड मशीन ही वहां खराब है, और अल्ट्रासाउंड करने पर मशीन ही नहीं है तो अल्ट्रासाउंड कहां से होगा, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव की जो लेडीज आती हैं वो वीकर सेक्शन से होती हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो 400-500 या 1,000 रुपया 500 रुपया दे के अल्ट्रासाउंड बाहर कराएं, तो बाहर भी जो है उपलब्ध जो फैसिलिटी बहुत कम है। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे और मशीन जहाँ पे खराब पड़ी है और रामबन की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसी तरह से बटोद ले लें, और मुझे लगता है स्टेट में बहुत जगह ये कमी होगी जो गाँव की जो प्रेग्नेंट औरतें आती होंगी अल्ट्रासाउंड बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता तो मुश्किल में आती हैं, परेशानी में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन रामबन में जो है फौरन उपलब्ध जो है वो कराई जाए। तो अगर हम ये देखें कि प्रेग्नेंट वुमेन जो इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है
और खासकर रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, उधर तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है प्रेग्नेंट वुमेन को आ जाती है, क्योंकि वो एक उन पे एक रिस्क आ जाता है। अगर हम देखें तो उन पे जो रिस्क आता है वायरस का, वो डायरेक्टली नहीं आता है बल्कि इनडायरेक्टली आता है। वो सब ठीक ठाक होती हैं, लेकिन जब हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिपेयर्डनेस करनी थी, मतलब पहले से प्लानिंग करनी थी चीज़ों की, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है नहीं करती है। इंडिया की लेवल की हम देखें, अगर हम यूटी का देखें, जैसे हमारे यूटी स्टेट की है, हमारी मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो पहले से वो मतलब प्रावधान नहीं किए जाते। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी साथ नहीं देती। जब किसी वुमेन्स को प्रॉब्लम आती है, गांव की वुमेन है, उसको गाड़ी उपलब्ध करानी है, उसको परमिशन चाहिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, रेड जोन है, तो उसको वो प्रावधान टाइम से नहीं मिलता, चीजें नहीं मिलती, तो उसको जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो माइग्रेशन है, जैसे माइग्रेटेड वुमेन है, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि इनडायरेक्टली जो वायरस का खतरा रहता है वुमेन्स का, वो इसलिए रहता है कि पीपीई किट जो है, वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको पीपीई किट जो है नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से उन पे रिस्क आ जाता है, चांसेस वायरस के ज्यादा जो है हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि सारे प्रिकॉशन लेते हुए प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका केयर, उनका जो बच्चा है उसका केयर किया जाए बराबर से, उनकी सारी सुविधाएं उनको दी जाए विद एम्बुलेंस, और हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। शुक्रिया, जय हिंद।